पेगासस जासूसी कांड पर घिरती दिख रही है केंद्र सरकार। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने न्यूयॉर्क टाइम्स को कहा था सुपारी मीडिया। मायावती जी ने भाजपा का किया खुलकर विरोध। भाजपा की सोच को बताया संकीर्ण। केंद्र सरकार को दिखाया आईना। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कल इंटरनेशनल मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स को पेगासस मामले में आरोपी बनाती हुई सुपारी मीडिया कहा था। अमेरिकी समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक खबर में दावा किया है कि 2017 में भारत और इजराइल के बीच हुए लगभग $2 अरब के अत्याधुनिक हथियारों एवं खुफिया उपकरणों के सौदे में पेगासस स्पाईवेयर तथा एक मिसाइल प्रणाली की खरीद मुख्य रूप से शामिल थी। इस खबर के सामने आने के बाद बसपा प्रमुख मायावती जी सहित कई अन्य विपक्षी नेताओं ने सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश शुरू कर दी है। बसपा अध्यक्ष ने इस संदर्भ में भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा है कि पेगासस जासूसी कांड का भूत केंद्र सरकार व भाजपा की नींद लगातार उड़ाए हुए है। इस अति गंभीर मामले में नित्य नए खुलासे हो रहे हैं, फिर भी देश व जनता के प्रति जवाबदेह व जिम्मेदार होकर विश्वसनीय जवाब देने के बजाय केंद्र की चुप्पी और नए सवाल खड़े कर रही है। सरकार खुलासा करे। साथ ही पेगासस के नए तथ्यों पर पूर्व सेना प्रमुख व केंद्रीय मंत्री की सुपारी मीडिया जैसी टिप्पणी अति अशोभनीय, जो सरकार की संकीर्ण सोच को प्रमाणित करता है। पेगासस मामले में भारत का नाम मैक्सिको, पोलैंड, हंगरी आदि देशों के शासकों के श्रेणी में आना भी कम चिंता की बात नहीं है। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।